जायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विषय पर बार बार सोचने से व्यक्ति उस विषय से लगाव पैदा करता है, लगाव से इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से स्मरण शक्ति भ्रमित होती है, स्मरण शक्ति के भ्रमित होने से बुद्धि का नाश होता है, बुद्धि के नाश से सर्वनाश होता है। क्या बोल गए कृष्ण जी, जो आज की मॉडर्न साइकोलॉजी भी हैरान है। अध्यात्म छोड़ दीजिए, मोक्ष छोड़ दीजिए, सेल्फ रियलाइजेशन छोड़ दीजिए, साइकोलॉजी देखिए क्या बोल गए। ध्यायतो विषयान् पुंसः, किसी भी वस्तु व्यक्ति पर बार 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 सोचने से लगाव पैदा होता है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु विजायते, किसी भी वस्तु व्यक्ति पर बार 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 अनइंटेलिजेंटली सोचने से लगाव पैदा होता है। संगा संजायते कामा, जब बहुत ज्यादा लगाव हो जाए तो डिजायर बड़ी स्ट्रांग होती है। यू डोंट नीड अ रॉकेट साइंस। किसी भी वस्तु पे अनइंटेलिजेंटली सोचते सोचते यार बड़ा मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, ऐसा हो जाएगा मजा, लिंगरिंग, व्हेन यू लिंगर विद एनी आइडिया और ए थॉट, अटैचमेंट होती है, अटैचमेंट से स्ट्रांग डिजायर बनती है। नाउ दो ऑप्शन है आपकी, इच्छा पूरी हो या ना हो, इच्छा पूरी हो या ना हो। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेजेडीज मैन हैज टू फेस। इस दुनिया में दो कारणों से आदमी दुखी होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेजेडीज मैन हैज टू फेस। द फर्स्ट ट्रेजेडी इज व्हेन यू डू नॉट गेट डिजायर ऑफ योर हार्ट, एंड सेकंड ट्रेजेडी इज व्हेन यू गेट इट। इस दुनिया में दो कारणों से आदमी दुखी होता है, पहला जबकि दिल की तमन्नाएं पूरी ना हो, और दूसरा जब दिल की तमन्नाएं पूरी हो जाए। किसी भी चीज पे बार बार विचार करने से लगाव, लगाव से इच्छा, इच्छा पूरी ना हो एजिटेशन, और जिसके कारण पूरी ना हो क्रोध। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु विजायते संगा संजायते कामात् कामात् क्रोधो विजायते। जब बहुत स्ट्रांग डिजायर है पूरी ना हो तो दुख, और जिसके कारण पूरी नहीं हुई हो उससे गुस्सा। ये तो वन ऑप्शन हुई। लेट्स टेक सेकंड ऑप्शन, इच्छा पूरी हो जाए तो क्या होता है। तो इच्छा पूरी ना हो तो दुख होता है, जिसके कारण पूरी ना हो क्रोध होता है। अब लेकिन दूसरा विचार देखिए, इच्छा पूरी हो जाए तो क्या होता है, खुशी, लेकिन थोड़ी देर बाद लोभ पैदा हो जाता है। I repeat, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने बोला, there are two types of tragedies men has to face. First, when you do not get desire of your heart, and second, when you get it. यही बात भगवान जी ने 62वें 63वें श्लोक में बोली। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु विजायते। जब किसी चीज पे बार 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 अनइंटेलिजेंट सोचते हो तो लगाव होता है, लगाव से अटैचमेंट से इच्छा स्ट्रांग होती है, और इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध पैदा होता है, इच्छा पूरी हो जाए तो लोभ होता है, लोभ होता है। जिसके पास आपसे ज्यादा आ जाए इच्छा तो ईर्ष्या आती है, जेलसी होती है। जिसके पास आपसे कम हो अहंकार आता है, एरोगेंस होता है। और जितनी आपकी इच्छा ज्यादा स्ट्रांग हो, मिल जाए, खोने का भय होता है। आपको अपनी फरारी कार खोने का भय है? नहीं है, क्योंकि है नहीं। आपको अपना हवाई जहाज खोने का भय है? नहीं है, क्योंकि है नहीं। भय कब आता है? जब इच्छा पूरी हो जाए। काम क्रोध भय, काम मीन्स डिजायर, पूरी ना हो तो क्रोध, पूरी हो जाए तो भय। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु विजायते संगा संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते। यहां बात रुकती नहीं है जी, यहां बात रुकनी,
क्रोध और भय से क्रोधात भवति सम्मोहा। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, क्रोधात भवति सम्मोहा, मोह आ जाता है, सम्मोह आ जाता है। सम्मोह मीन्स सेल्फ डिल्यूजन आ जाता है, सेल्फ क्रिएटेड डिल्यूजन मीन्स आप अपने ख्यालों में रहते हो और सोचते मेरी तो जिंदगी खराब है, मेरी तो लाइफ बर्बाद हो, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। दुख हुआ, क्रोध आया, मोह में आ गए। और क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमात। जब मोह आ जाता है तो स्मृति विभ्रमित हो जाती है, स्मृति मीन्स मेमोरी कोलैप्स हो जाती है, मेमोरी खराब हो जाती है। गुस्से में क्या होता है आपको, गुस्से में आपको मोह आ जाता है और मोह से आपको मेमोरी भूल जाते हो कि कहां बैठा हूं, किसके सामने बैठा हूं, कैसे बैठा हूं। गुस्सा आया और अंदर दबाते रहे दबाते रहे दबाते रहे और उस दबाते 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 गुस्से में चार परिवार के चार लोगों के साथ बैठे थे, कहां बैठे थे, मेमोरी लॉस हुई, स्मरण शक्ति भ्रमित हुई। स्मरण शक्ति भ्रमित हुई होते ही बुद्धि का नाश और बुद्धि के नाश से सर्वनाश। दिस इज योर लाइफ, दिस इज व्हाट हैपेंड। वो दौर भी देखा था, ये दौर भी देखेंगे। लम्हे ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। लम्हे ने खता की थी तो शुरुआत कहां से हुई, एक विचार से। हमारा मन एक सीढ़ी की तरह है जी, सीढ़ी का पहला टप्पे में गेंद गिरी, सीढ़ी के पहले टप्पे पे गेंद गिरी, उछली और आपने पकड़ ली, इट्स ऑल राइट। लेकिन पहले टप्पे के सीढ़ी के ऊपर वाले टप्पे पे गेंद गिरी, उछली और आपने इग्नोर कर दिया, पहले टप्पे से दूसरे टप्पे पे गिरी, दूसरे रंग ऑफ लैडर पे गिरी, दूसरे स्तर पे गिरी, पहले स्तर से आपने रोक ली, दूसरे लेवल पे आते ही यदि आपने फिर भी कोशिश करके रोक ली फिर ना, लेकिन दूसरे पे भी आपने नहीं गई तो गई भैंस पानी में। थॉट विचार, विचार से इच्छा, इच्छा से अटैचमेंट, अटैचमेंट पूरी ना हो, डिजायर बड़ी स्ट्रांग हो गई हो, स्ट्रांग हो गई पूरी ना हो तो क्रोध होता है, पूरी हो जाए तो लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, फियर, और ये काम क्रोध लोभ मोह क्रिएट कर देते हैं। मोह मीन्स सेल्फ डिल्यूजन और डिल्यूजन से मेमोरी लॉस हो जाती है, वो मेमोरी लॉस से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट होने से सर्वनाश हो जाता है। I've seen people have collapsed, their business, their empire is collapsed because of one anger. एक गुस्से से पूरी की पूरी महाभारत हो गई, एक जबान फिसली, अंधे की औलाद अंधी, एक जबान फिसली, अंधे की औलाद अंधी, पूरी महाभारत हो गई, पूरी महाभारत हो गई। जब सीता माता ने गुस्से से कुछ बोला लक्ष्मण को, जब राम जी गए हिरण के पीछे पीछे, आवाज आई लक्ष्मण लक्ष्मण, सीता माता में भय आया, भय से उनको उनकी मेमोरी लॉस हो गया, उनको पता नहीं चला कि मेरे राम हजारों असुरों का सामना कर सकते हैं। लेकिन जब लक्ष्मण ने कहा मेरी माते मैं छोड़ के नहीं जा सकता, तो गुस्सा आया सीता माता को, लक्ष्मण को कुछ शब्द बोले, रुक नहीं पाए लक्ष्मण, चला जाना पड़ा। लम्हे ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। सीता माता विल नेवर गुस्सा आएगा, लेकिन वो हमें और आपको बताने के लिए कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं हमें कि अपनी कामनाओं को कैजुअली मत लीजिए प्लीज। हमारी डिजायर दो चीजों पे जाती है, वस्तु पे या व्यक्ति पे। टीनेजर बॉय, लेट्स मॉडर्न लाइफ की बात करें तो इसको मॉडर्न एग्जांपल से ले लेता हूं। ए बॉय लव्स अनदर गर्ल, ए टॉम लव्स एन एलिजाबेथ। एक लड़के का इमोशन थॉट फ्लो जाते हैं टूवर्ड अनदर गर्ल, और एक तीसरा लड़का आ जाता है जो उसके फ्लो में ऑब्स्टिकल डालता है। और ये जो जैसे ही मेरा थॉट किसी के प्रति जा रहा है और कोई बीच में आ जाता है, मुझे उससे गुस्सा आने लगता है। माँ का बेटे पे थॉट जा रहा होता है, माँ का बेटे पे अटैचमेंट है, माँ का बेटे से लगाव है, और बहू रानी आ जाती है, वो थॉट क्या हो जाते हैं,
डिफ्लेक्टेड हो जाते हैं, एंड दिस डिफ्लेक्टेड थॉट फ्लोज आर एंगर। जब ये विचार नहीं, कोई बाधा डाल देता आपके विचार पे, आपको उससे गुस्सा आता, अंदर ही अंदर आप दबाते रहते गुस्सा, नमस्ते जी नमस्ते जी नमस्ते जी, पैरी पहना पैरी पहना, मम्मी हाउ आर यू मम्मी, मम्मी मतलब इजिप्ट की मम्मी, लेकिन अंदर गुस्सा बड़ा रहता, बसा रहता बसा। और एक दिन हम घर पे बैठे होते हैं, कोई लोग ऐसी चर्चा हो रही होती है, और वो अंदर का गुस्सा जबान से निकलता है, दो जगह से निकलता है, अंदर की आग, या तो आंख से मुंह से आग बरसती है या आंख से आंसू निकलते। आई नो ए जेंटलमैन, बहुत बड़ा पोजीशन में था एक कंपनी में, नाम नहीं बताऊंगा उस कंपनी का, इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंपनीज में से एक, वहां के जनरल मैनेजर और प्रेसिडेंट थे, जो प्रेसिडेंट की जनरल मैनेजर से निकलते, प्रेसिडेंट किसी और पोजीशन से आया था, जनरल मैनेजर की अलग को अप्रोच था। एक दिन दोनों की बिल्कुल नहीं बनती थी, 36 का आंकड़ा था, बाहर से नमस्ते जी गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग, लेकिन अंदर गुस्सा भरा हुआ था दोनों का, क्योंकि जनरल मैनेजर सोचता था मुझे ये पोजीशन मिलनी चाहिए थी जो इनको मिलती। एक दिन मीटिंग चल रही थी, मीटिंग के अंदर जो प्रेसिडेंट है थोड़ा सा लेट आया, तो जनरल मैनेजर ने मजाक में कह दिया, आवर वॉचेस आर 5 मिनट्स फास्ट, हमारी घड़ियां तो 5 मिनट तेज चल रही है। उस प्रेसिडेंट को इतना गुस्सा आया, कंपनी के वन ऑफ द हायर पोजीशन में, उसने एस्ट्रे पड़ी हुई थी, वो एस्ट्रे उठा के उसके सर पे मार डाली, विद इन ए मिनट दैट मैन लॉस्ट एवरीथिंग, द मैन लॉस्ट हिज जॉब, हिज करियर, हिज प्रोफेशन, हिज स्कोप, एंड फाइनली ही हैज टू लीव इंडिया, इंडिया छोड़ के किसी और देश में जाके रहने लगा। नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस, गुस्सा क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रमा, स्मृति विभ्रमात बुद्धि नाश। दुनिया में इतिहास गवाह है जी, इतिहास गवाह है, एक गुस्से ने सल्तनत बदल दी, एक मोह ने परिवार तोड़ दिया। तो तोड़ क्या है इसका, निपटन बट मींस चिंगारी को ज्वाला बनने से पहले ही थॉट आए, आपका हर थॉट फिल्टर होना चाहिए, आपका हर थॉट फिल्टर होके जाना चाहिए। कई लोग हैं सोचते हैं सोचने में क्या फर्क पड़ता है यार, सोचने में क्या फर्क पड़ता है, सोचने में ही सारा फर्क पड़ता है, क्योंकि थॉट एक फ्लो, एक विचार, एक नदी का प्रवाह है, और जब नदी के पहले ट्रिब्यूटरीज में पानी बढ़ता है और आपको लगता है ये पानी गलत डायरेक्शन में जा रहा है, एक पत्थर भी उसकी डायरेक्शन बदल देता है। नदी का स्रोत एक धारा है, एक शुरुआत है, और एक जब वो धारा पानी की बह रही होती है, आप एक बड़ा बोल्डर भी रख दो, नदी का प्रवाह बदल जाता है, लेकिन जब धाराएं मिलती रहती है मिलती रहती है मिलती रहती है और एक नदी बन जाती है, फिर उस पर भी पहाड़ पे डैम बना सकते हो, लेकिन जब नदी और विशाल बन जाए तब उस पर रोक लगानी मुश्किल। आप अपने विचारों पे, शुरुआत पे ही संयम कर सकते हैं। विचार चिंगारी है, चिंगारी उठी आप हाथ से दबा सकते हैं, लेकिन विचारों का समूह आके मिलता जाए मिलता जाए मिलता जाए, और वो विचारों की चिंगारी मिलके ज्वाला बन जाए, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे पहले टप्पे पे गेंद गिरी आप रोक सकते हो, पहले टप्पे पे गेंद गिरी आप रोक सकते हो, लेकिन पहले टप्पे पे छोड़ दी दूसरे पे भी रोक सकते हो, उसके बाद बड़ा मुश्किल होता है। 62वां 63वां श्लोक मॉडर्न मैनेजमेंट में हम बहुत यूज करते हैं, थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू थिंक, थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू थिंक, थिंक बिफोर यू एक्ट, बोलने से पहले सोचो, बोलने से पहले सोचो, सोचने से पहले सोचो,
करने से पहले सोचो। आपको वैसे सोचने पे कोई रोक टोक नहीं है, बिल्कुल है, यही तो सारी साधना है कि आप सोच को ठीक करो। सोचता रहता हूं सुबह दोपहर शाम रात, सोचता रहता था सुबह दोपहर शाम रात, सोचने पे रोक। आपको सोचने में क्या फर्क पड़ता है, आपकी सोच ही संसार बनाती है। एज यू थिंक सो शैल यू बिकम, एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। बुद्धि नाशात प्रणश्यति। तो अर्जुन ने पूछा स्थित प्रज्ञ से काव्य, स्थित प्रज्ञ कौन है? तो भगवान जी ने कहा स्थित प्रज्ञ वह जिसका मन पे पूरा वश है, जिसका कामनाओं पे वश है, जिसका इच्छाओं पे वश है, जिसका इंद्रियों पे वश है। वश का मतलब ये नहीं है कि यू डोंट एंजॉय लाइफ। जैसे आपका गाड़ी पे वश है, आप गाड़ी पे वश है, गाड़ी का आप पे वश नहीं है। आपका गाड़ी पे वश है तो गाड़ी इंजॉयमेंट है। आपका मोटरसाइकिल चला रहे हो, मोटरसाइकिल पे आपका कंट्रोल है तो मोटरसाइकिल इंजॉयमेंट है। यदि मोटरसाइकिल आपको कंट्रोल में कर ले तो से आप। बहुत से लोग हमारे समाज में आते हैं जो सोचते हैं मेरा कमाया, मैंने कमाई की है, मैं क्यों ना इच्छा करूं। वो सोचते हैं इच्छा मेरा जन्म से अधिकार है, मैं जो इच्छा कर रहा हूं सारी कायनात मेरी इच्छा को पूरी करने में लग जाए। कर देगी, करती है। किसी भी चीज को शिद्दत से चाहो पूरी कायनात पूरी करती है। लेकिन कुछ इच्छा ऐसी होती है जो सुख कभी नहीं दे सकती। इच्छा बड़ी करी दुर्योधन ने, दशरथ ने, स्वयं राम जी आए सुख मिला। तो सोचो कुछ इच्छाएं एकदम सुख मिल जाती, पूरी हो जाती। कुछ इच्छाएं आपकी एकदम पूरी हो जाती, कुछ इच्छाएं थोड़े से प्रयास के बाद पूरी होती है, कुछ इच्छा बहुत प्रयास के बाद पूरी होती है, कुछ इच्छाएं जितना मर्जी प्रयास कर लो पूरी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, आपकी चाय पीने की इच्छा आप झट से पी सकते हो, आपकी मूवी जाने की इच्छा आप एकदम नहीं जाओगे, दो दिन बाद तीन दिन बाद जा सकते हो। कुछ इच्छा एकदम पूरी हो जाती है, कुछ थोड़े से प्रयास के बाद पूरी होती है। आपकी लंदन जाने की इच्छा है वो एकदम नहीं पूरी हो सकती, शायद दो महीने छह महीने साल भर चले जाओ। लेकिन सब लोग मेरा सम्मान करें, सब लोग मेरा आदर करें, मैं कभी बीमार ना हो, हमारे घर में कभी दुख ना हो, ये इच्छा कभी नहीं पूरी हो सकती। तो जो इच्छा अपने आप पूरी हुई है उसको हम नोटिस नहीं करते, सांस ले रहे हैं इच्छा पूरी हुई है नोटिस नहीं करते। जो इच्छा थोड़े से प्रयास से पूरी हुई है उसकी हमें कदर नहीं, जो स्वतः पूरी हुई है इच्छा उसको हम नोटिस ही नहीं करते, हमें नजर ही नहीं आती। जो थोड़े से प्रयास के बाद पूरी हुई है उसकी हमें कदर नहीं, जो बहुत प्रयास के बाद पूरी हुई है उसका अहंकार, और जो बहुत प्रयास के बाद भी पूरी नहीं होती उसका उम्र भर रोना। स्थित प्रज्ञ कभी भी नहीं रोता। सोचिएगा इस बात पर। हरिओम।